वेलकम टू निशेमन ट्रेडर्स। मेरा नाम है असद मुगल और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निशेमन ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप सब्लिमेशन प्रिंट टी शर्ट पे करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या सामान रिक्वायर्ड होगा, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टेम्परेचर एंड टाइम, जो सबसे मेन चीज़ है, टेम्परेचर एंड टाइम आपको कितना रिक्वायर्ड होगा अगर आप कोई भी पॉलिएस्टर की टी शर्ट प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखते हैं, आज हम एक A4 साइज़ का प्रिंट आउट जो हमने निकाला है, जिसमें हमने एक टॉम एंड जेरी का जो एक प्रिंट है वो निकाला है, और वो हम पॉलिएस्टर की टी शर्ट पर प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा प्रिंट किस तरह आया है। ये देखिए व्यूवर्स, ये प्रिंट आउट है जो कि हम पॉलिएस्टर की टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे। ये जो प्रिंट है ये सब्लिमेशन इंक के साथ हमने निकाला है, और इस यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही फेमस और हमारे बचपन के जो फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी, उससे हमने ये प्रिंट लिया है। आप देख सकते हैं टॉम एंड जेरी का एक करेक्टर और साथ में एक फीमेल जेरी भी है, वो भी हमने इस पर प्रिंट की है, और साथ में ऊपर एक टॉम एंड जेरी हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से ये एक प्रिंट आउट निकाला है, और ये प्रिंट आउट जो है हम टी शर्ट पर प्रिंट करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि टी शर्ट पर ये किस तरह लगता है और कैसा लगता है प्रिंट होने के बाद। इससे जो मैंने प्रिंट आउट लिया है ये मैंने अल्ट्रा HD यानी कि जो अल्ट्रा उसमें अंदर सेटिंग होती है प्रिंट के अंदर, अल्ट्रा एप्सन समथिंग ऐसे करके कुछ, वो लिया है। सबसे अच्छी अपनी तरफ से कोशिश की है प्रिंट आउट निकालने की, ताकि जितना अच्छा प्रिंट आउट निकलेगा उतना अच्छा ही हमें प्रिंट होने के बाद रिजल्ट मिलेगा। और जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ, ये A-Sub का पेपर हम यूज़ कर रहे हैं। A-Sub का जो पेपर है वो हमने 125 ग्राम वाला इस्तेमाल किया है इस पर, और ये जो है पेपर आपके सामने है ये A4 साइज है। तो आइए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो व्यूअर्स, हमें ज़्यादा सामान रिक्वायर्ड नहीं होता इसको प्रिंट करने के लिए, यानी अगर आपको एक पॉलिएस्टर की टी शर्ट प्रिंट करनी है उसके लिए जस्ट आपको एक पेपर ही रिक्वायर्ड होता है, ये जो हमारे पास है, और ये हमारी टी शर्ट है, और ये हमारी मशीन है जो मेन बेड है, 5-in-1 टी शर्ट वाली मशीन है ये, इसे हम मेन टी शर्ट वाला बेड कहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले वाली वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने इस मशीन की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है, अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसकी भी वीडियो मौजूद है, और अगर इसके अलावा आप इसके कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट्स किस तरह फिट होते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो है मैं इसकी आपको टाइम और टेम्परेचर सेट करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इस टी शर्ट को लगाएंगे और फिर हम इसको जो है वो प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन को ऑन करेंगे, और मशीन को ऑन करने के बाद हम यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेट करेंगे। इस टाइम मेरे पास जो एक टेम्परेचर आ रहा है वो 290 आ रहा है, दूसरा जो है ये 310 आ रहा है। तो हम अब मैं जो है 310 को करूँगा 355, यहाँ आप देखिए, ये देखें, ये मैंने इसको 355 कर दिया है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है 355 सेट कर दिया है। और फर्स्ट टेम्परेचर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट टेम्परेचर जो है वो 290 पे था, इसको भी मैं 355 पे कर दूंगा यहाँ पे, ये देखिए, ये मैक्सिमम 355, क्योंकि सेकंड हमने 355 किया तो फर्स्ट भी 355 ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसके बाद यहाँ 60 सेकेंड है तो हम इसको कर देंगे 40 सेकेंड, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया है 40 सेकेंड। एक पॉलिएस्टर की टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए हमें जो टाइम एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 355 फर्स्ट एंड 355 सेकेंड टेम्परेचर, और जो हमें टाइम चाहिए होता है वो 40 सेकेंड्स चाहिए होते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक ये मशीन जो है हीट अप हो रही है तब तक जो है मैं ये टी शर्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और पेपर इसके ऊपर लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉलिएस्टर की टी शर्ट इस टाइम मैंने यहाँ पे लगा दी है, और ऑलमोस्ट मैंने ये सेंटर में लगाई है, यानी कि दोनों तरफ से मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है पहले, और उसके बाद ये देखिए साइड पे, इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से, और उस साइड से भी मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है, और सेंटर निकालने के बाद मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। अब इसमें आप थोड़े बहुत सिल्वर्स देख सकते हैं, तो इसको मैं हल्की सी प्रेस लगा देता हूँ, जो भी टेम्परेचर है उसका कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं इसको 1-2 सेकेंड या 3 सेकेंड की प्रेस लगा देता हूँ, उससे ये है कि इसके सिल्वर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या मैं इसको थोड़ा सा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसके सिल्वर्स जो है वो कम हो गए हैं, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, इसका मैं थोड़ा सा जो है हीट ज़्यादा होने के बाद थोड़ी देर और लगाऊंगा तो इसके बिल्कुल सिल्वर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो अब मैं थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद अब मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा करूँगा। पहले मैंने 3-4 सेकंड किए थे, अब मैं 5-6 सेकंड इसका प्रेस लगाऊंगा तो इससे जो इसके सिल्वर्ट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे आपको सिल्वर्ट्स नहीं नज़र आ रही, इसके सिल्वर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और अब जो है टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 226 पे पहुंच गया है। हम इसके टेम्परेचर, इसका हीट होने का वेट करते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो 355 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है मैं इसको प्रिंट करूंगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 355 फॉरन हीट टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है और टाइम जो है वो 40 सेकेंड्स जो हमने सेट किया था। और मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और अब जो है मैं यहाँ पे ये प्रिंट आउट जो मैंने निकाला था यहाँ पे, ये मैं लगाने जा रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं रखूँगा और इसका ऑलमोस्ट मैं सेंटर निकाल लेता हूँ। और ये तकरीबन मैंने इसका जो है वो सेंटर निकाल लिया है यहाँ पे साइडों से, और ऑलमोस्ट दो दो फिंगर का जो है वो डिस्टेंस है दोनों साइड से। और अब मैं जो है ये यहाँ पे रखूँगा और ये प्रेस लगाऊँगा। प्रेस लगाते ही मैं इस बटन को प्रेस कर दूँगा और ये जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा टाइम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जैसे ये टाइम पूरा होगा तो मैं इसे प्रेस जो है वो ऊपर कर दूंगा और फिर चेक करूँगा कि रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। तो जैसे ही 40 सेकेंड पूरे होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रखा है यहाँ पे ना रखिएगा, ये गर्म भी हो जाता है, या यहाँ पे हाथ लग गया तो आपका हाथ जल सकता है। तो ये 40 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ से ऊपर कर दिया और ये देखिए अब जो हमारा प्रिंट है वो हो चुका है। और ये शीट जो ऊपर वाली मैं उठाऊँगा और यहाँ पर ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉम एंड जेरी का जो प्रिंट है यहाँ पर आप देखें, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमें रिज़ल्ट मिला है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फाइनल प्रिंट आउट जो है वो निकल आया है और फाइनल टी शर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है वो प्रिंट आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी जो पॉलिएस्टर की टी शर्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। और उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको काफ़ी समझ आया होगा कि पॉलिएस्टर की टी शर्ट को प्रिंट किस तरह करते हैं, टेम्परेचर किस तरह सेट करते हैं, टाइम किस तरह सेट करते हैं और टी शर्ट का सेंटर किस तरह निकालते हैं और इस तरह की और चीज़ें जो भी मैंने आपको वीडियो में बताई हैं वो सारी आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। और अगर उनको कोई मुश्किलात आ रही हैं तो वो हमारी वीडियोस को देख के जो है वो बहुत सारा नॉलेज जो है वो सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इसी तरह देखते रहिए नशे में ट्रेंड यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।